एक किसान की फसल बारिश और ठंड की वजह से बार बार खराब हो रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अब से मौसम उसकी जरूरत के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था, तभी वह भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो, इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहिए। ये बात सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक, अब ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूँ की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की ज़रूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश होगा। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूँ थे ही नहीं, सबकी सब खोखली बालियाँ थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ में आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। इस कथा से